और योजना विकास जो ग्रामीण विकास योजना जो है हमारा जो पहला टॉपिक है और दूसरा टॉपिक आपका पंचायती राज है, जिसमें हम लोग पंचायती राज को कवर करने जा रहे हैं। इसमें पंचायती राज के हम लोगों ने लगभग 4 से 5 टॉपिक को कवर कर लिया है, जिसमें अधिनियम आपने देखा है 73, संविधान संशोधन देख लिया आपने, उसमें आपने पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत आने वाले बहुत सारे मूल अवस्थाओं को देखा आपने। इसी अवस्थाओं को आप आगे की तरफ देखते हुए आज हम लोग टॉपिक लेकर जा रहे हैं कार्यकाल, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्यकाल की क्या अवधारणाएं हैं और 73वां संविधान संशोधन के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था है उसमें कार्यकाल के संदर्भ में क्या क्या अधिनियम जोड़े गए हैं, क्या क्या बातें इसमें परिपूरित की गई है, वो सारी चीज़ आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास के बारे में। तो पंचायती राज व्यवस्था में देखिएगा आज हमारे जो कार्यकाल जो टॉपिक है हम लोग उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप लगातार बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं और इसके साथ आप लगातार कोशिश करते चलें कि आप इसकी पढ़ाई आपकी एक अच्छे वे में चलता चला जाए, क्योंकि आने वाले समय में अगर अचानक से कोई पोस्ट आ जाती है या फिर एडीओ की पोस्ट आपको फॉर्म सबमिट करने का जो डेट दे देता है तो उसमें मैक्सिमम आपके पास 1 मंथ का समय होगा और 1 मंथ के समय में आप प्रॉपर 5ों विषय अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं या आपका जो पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो लगातार आपके नोट्स के साथ साथ मेंटेन हो जाए। ठीक है, ताकि आप अभी हम लोग जो टेस्ट सीरीज मेंटेन करने वाले हैं उसमें आपको एक बेहतर अवस्था में सारे काम को और अपनी पढ़ाई को जज कर पाएंगे और उसमें आप देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी लेवल पर हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं पंचायती राज व्यवस्था में कार्यकाल के बारे में। तो आप देखिएगा कार्यकाल की जो हमारे पास पॉइंट है, जो कार्यकाल हमारा जो पूरा का पूरा व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग इस पॉइंट पर काम करते हैं और इसको समझते हैं। देखिएगा हम कार्यकाल की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास है पंचायती राज व्यवस्था में कार्यकाल की तरफ चल रहे हैं हम लोग, तो पंचायतों का कार्यकाल। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा पंचायतों का कार्यकाल क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तीनों अवस्थाओं में, तीनों स्तर पर पंचायत का कार्यकाल कैसा होगा। तो पंचायत के कार्यकाल के अगर हम संदर्भ में बात करते हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि पंचायत का जो कार्यकाल है ये हम तीनों स्तरों की बात कर रहे हैं, यानी तीनों स्तरों पर, चाहे आप ग्राम पंचायत की बात करें, चाहे आप जनपद पंचायत की बात करें या फिर जिला पंचायत की बात करें। ठीक है, तीनों स्तर पर कार्यकाल कैसा होगा, कार्यकाल के संदर्भ पर पदाधिकारियों का कार्यकाल कैसा होगा, ये तीनों स्तर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप एक बात याद रखिएगा कि आप इस पॉइंट को क्लियर करते चलिएगा कि आपके हर जो टॉपिक है उस पूरे टॉपिक में पॉइंट्स क्लियर होते चलने चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कार्यकाल के बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा हम कार्यकाल के जो डिस्कस कर रहे हैं वहां पर देखिएगा कि किसी भी पंचायत का कार्यकाल मैक्सिमम 5 वर्ष का होता है, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि किसी भी पंचायत का, यानी कि आप जिला पंचायत की बात करें, जनपद पंचायत की बात करें या फिर ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का ही होगा, ये एकदम फिक्स है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा इस कार्यकाल में कार्यकाल की गणना कब से होती है। तो कार्यकाल की गणना हमेशा याद रखिएगा कि जब हम बात करें कि चुनाव के बाद, ठीक है, चुनाव के बाद जो पहली सम्मेलन या बैठक होती है वहां से हम कार्यकाल की गणना करते हैं, चाहे कोई भी पंचायत हो, यानी तीनों स्तरों में पंचायतों में आप कार्यकाल के अंतर्गत देखेंगे तो तीनों स्तरों में। ठीक है, तो प्रत्येक पंचायत अपने पहले बैठक, प्रथम सम्मेलन की पहली तारीख से अगले 5 वर्ष तक बनी रहेगी, या ग्राम पंचायत की गठन की अधिसूचना की तिथि से काउंट किया जाता है। यहाँ पर तीन पांच जो तीन और कुछ पॉइंट्स है उसको एकदम क्लियर कीजिएगा कि किस किस घटना को हम लोग कार्यकाल की गणना से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज याद रखिए कि प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम बैठक या प्रथम सम्मेलन की पहली तारीख से ये गणना काउंट स्टार्ट होती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना अपनी तिथि से। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अधिसूचना की तिथि, अगर मान लीजिए इनकेस कि ग्राम पंचायत का गठन हो गया है और उसी के बाद उसका अधिसूचना जारी किया गया, तो उस अधिसूचना की तिथि से यहाँ पर हम काउंट करेंगे, उसकी कार्यकाल का गणना का काउंट करेंगे, या फिर पदाधिकारियों की शपथ
ठीक है, चूंकि पदाधिकारी जो है प्रथम बैठक में ही शपथ लेते हैं, इसलिए हम लोग पहले बैठक को ही यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं या प्रथम सम्मेलन को ही कैलकुलेट करते हैं उसकी गणना में। ठीक है, तो याद रखिएगा तीन यहाँ पर चीजें आ गई कि पहला प्रथम बैठक या प्रथम सम्मेलन, दूसरा अधिसूचना की तिथि से या फिर पदाधिकारियों के शपथ की तिथि से। ठीक है, यहाँ पर तीन लाइनें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद एक जो फैक्ट है याद रखिएगा कि 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के 6 माह के पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए इनकेस यहाँ पर बात की जाती है कि अगर किसी भी पंचायत का कार्यकाल जो है अंतिम वर्ष में है और ये समाप्त होने की तिथि पर है, और तिथि के अनुसार अगर आपको याद रखना होगा तो यहाँ पर चुनाव किस माह से पहले कर लिया जाएगा, तो 6 माह के अंदर ये कर लिया जाता है। यानी कि आपको याद रखना है कि अगर 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो रही है तो 6 माह के पूर्व ही निर्वाचन पूर्व कर लिया जाएगा, या फिर जो आने वाले जो पंचायत का जो गठन होगा, जो आने वाले समय का जो पदाधिकारी वो गठन होगा, या फिर जो उस समय के पदाधिकारी होंगे उनके पहले जो पूर्व में अधिमान्य है उनके जाने से 6 महीने पूर्व ही इसको निर्वाचित कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो आपको दो बातें यहाँ पर याद हो गई कि कार्यकाल जो है मुख्यतः इनका 5 वर्ष का होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि कार्यकाल की गणना जो है यहाँ पर 3-4 फैक्टरों को देखकर किया जाता है। पहला फैक्ट होता है कि पदाधिकारियों की जो पंचायत का पदाधिकारी बैठक है या फिर पहला जो बैठक है, प्रथम बैठक है, प्रथम सम्मेलन है, इस तिथि को हम पहला टर्म्स मानते हैं। और दूसरा बात आप यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत गठन की अधिसूचना की तिथि से इसे काउंट किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात आप यहाँ पर याद रखिएगा कि पदाधिकारियों की शपथ से, ठीक है, पदाधिकारियों की शपथ से या फिर पदाधिकारियों की प्रथम बैठक से ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं, या फिर आप 5 वर्ष की एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर, 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के 6 माह के पूर्व ही निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा आने वाले निर्वाचन प्रणाली के लिए। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट करते हैं हम लोग इस पॉइंट पर। तो आगे देखिएगा पंचायत का कार्यकाल, आपने कार्यकाल की गणना देख ली थी। ठीक है, तो इसी कार्यकाल की गणना के अनुरूप आपको कुछ बातें और याद रखनी है। इसके अंतर्गत आप एक बात और याद रखिएगा कि उपचुनाव की स्थिति में क्या होगा। अगर मान लीजिए उपचुनाव पहले किसे कहते हैं वो समझिएगा थोड़ा सा, उपचुनाव क्या होता है। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई है कि किसी पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष का जब होता है और इसी बीच में पदाधिकारियों का जो कहना ये चाहिए इसमें कि किसी भी पदाधिकारी का जो सीट है वो खाली हो जाता है, ठीक है, जो पद है वो खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में उपचुनाव की स्थिति आ जाती है। क्योंकि हमें जो हमारा लोक प्रशासन है, हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें ये बात कहता है कि कभी भी किसी भी पद को रिक्त नहीं किया जा सकता। तो उस अवस्था में उस पद को अगर वो पद रिक्त होता है तो वहां पर जो चुनाव होगा उसे हम लोग उपचुनाव कहेंगे। ठीक है, तो उपचुनाव को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा जब उपचुनाव की स्थिति आती है तो सदस्यों का कार्यकाल पंचायत की शेष अवधि के लिए होता है। यानी कि जो कार्यकाल होगा, अगर इस 5 वर्ष के बीच में कभी चुनाव आता है उसे उपचुनाव कहा जाएगा। और जो जो व्यक्ति यहाँ पर आएगा उस व्यक्ति का जो पद धारण किया जाएगा, यानी कि पद धारण करने की वह तिथि काउंट होगी जो कि पहले निर्वाचन हो चुका है, यानी शेष कार्यकाल के लिए उसका निर्वाचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर कि सरपंच का पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर चुनाव होना आवश्यक है। तब तक निर्वाचित पंचों द्वारा उनके बीच में से ही चुना गया सदस्य स्थापन सरपंच के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे पहले एडीओ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सरपंच का पद रिक्त होने पर कौन कार्य करता है या फिर किस व्यक्ति को यहाँ पर सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर सरपंच का पद रिक्त होता है और ये 6 माह के अंदर चुनाव नहीं हो पाता है, ऐसे कंडीशन आ जाते हैं कि किसी कारणवश यहाँ पर चुनाव नहीं हो पाता है, मोस्टली तो ये बात कही जाती है कि यहाँ पर चुनाव हो जाएगा या चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि चुनाव नहीं हो पाता है, तब के कंडीशंस में क्या कंडीशंस होगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि चुनाव की तब की कंडीशंस में निर्वाचित पंचों के द्वारा, यानी जो पंच निर्वाचित हुए हैं उन्हीं में से किसी एक सदस्य को स्थापन सदस्य के रूप में चुन लिया जाएगा या सरपंच के रूप में चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला चीज तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, एक सरपंच के पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाता है। अगर नहीं हो पाता है या फिर ऐसे कोई कंडीशंस टर्म्स सर्कमटेंस आ जाते हैं कि चुनाव नहीं हो पा रहा है, तब के कंडीशंस में यहाँ पर अपने से जो निर्वाचित पंच है उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को स्थापन सरपंच के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर एक बार और क्लियर करते हैं यहाँ पर कि अगर उपचुनाव तभी होगा जब कार्यकाल 6 महीने से अधिक बचा हो। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर उपचुनाव का कंडीशंस तब होता है कि अगर मान लीजिए कि बचा हुआ शेष कार्यकाल जो है 6 महीने से अधिक का बचा हुआ है, या फिर
छह महीने से कम का बचा हुआ है, दो ही कंडीशन होगा याद रखिएगा, अगर छह महीने से कम का बचा हुआ है तो उपचुनाव का कंडीशन नहीं होता है, यानी उपचुनाव नहीं होगा, अपने समय पर ही चुनाव होगा, ठीक है। और अगर छह महीने से अधिक का टर्म्स कंडीशन बचा हुआ है, यानी कि कार्यकाल बचा हुआ है, तो तब के कंडीशन में यहाँ पर उपचुनाव की स्थिति आ जाती है और उपचुनाव कराया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको बस दो ही बातें याद रखनी है। पहली बात ये होनी चाहिए यहाँ पर कि उपचुनाव तभी होगा जब कार्यकाल छह महीने से अधिक बचा हुआ हो, ठीक है। और अगर छह महीने से अधिक नहीं बचा हुआ है तो कार्यकाल जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे और कार्यकाल के स्तर पर हम इस बात को याद रखेंगे कि छह महीने से कम बचा हुआ है तो चुनाव नहीं होगा और छह महीने से अधिक बचा हुआ है तो उपचुनाव होगा। बस यहां पर दो बातें आपको क्लियर रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि छह माह से कम के कार्यकाल बचा हो तो उपचुनाव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें याद रख लीजिएगा कि चुनाव उपचुनाव का कंडीशन कब कब आता है, कार्यकाल के कैलकुलेट कहाँ से करते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए इनकेस आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि उपचुनाव के कंडीशन में निर्वाचित सदस्य का या निर्वाचित सरपंच हो सकता है, पंच हो सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई भी पदाधिकारी हो सकता है, कि छह महीने से अगर अधिक का समय बचा हुआ है तो क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा, छह महीने के अधिक समय में अगर बचा हुआ है कार्यकाल को, तो उस कंडीशन में यहाँ पर उपचुनाव निर्धारित करा जाएगा या उपचुनाव का कंडीशन आ जाएगा यहाँ पर। और अगर मान लीजिए कि छह महीने से कम का समय बचा हुआ है तो उपचुनाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित होता है तो ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित पंच द्वारा सरपंच पद का कार्यभार ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे ये कंडीशन आपका यहाँ पर चुना गया है कि पंचों के द्वारा में से ही या पंचों जो निर्वाचित पंच है उन्हीं में से किसी को सदस्य उन्हीं में से किसी सदस्य को स्थापन सरपंच के रूप में चुन लिया जाता है, वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर आता है कि यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है तो ग्राम पंचायत के द्वारा निर्वाचित पंच जो है उनमें से ही किसी को सरपंच का कार्यभार या सरपंच पद का कार्यभार दे दिया जाता है या फिर ग्रहण कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चार बातें याद रखिए कार्यकाल की गणना के संदर्भ पर, आपको ये सारे फैक्ट को कवर करना है, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट को जब आप कवर करेंगे तो ही जाकर ये सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए देखिएगा आगे की तरफ पंचायती कार्यकाल के अंदर हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा पदाधिकारी के हेतु योग्यता, ठीक है। योग्यता को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत जरूरी टॉपिक है ये कि योग्यता का मतलब क्या होता है। हम यहाँ पर योग्यता का मतलब ये समझते हैं कि जो पदाधिकारी है जब वो इस कंडीशन में आ जाता है कि वो पद के चुनाव के लिए तैयार है और वह वो योग्य है कि इस पद में पदाधिकारी बनने योग्य है, ठीक है। किसी भी तरीके का हम पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं तो ये पूरे के पूरे पंचायत के कार्यकाल के संदर्भ में पूरे पंचायत को शामिल किया जाएगा, तीनों स्तर पर देखा जाएगा। तो पदाधिकारियों की योग्यता में हम लोग सबसे पहले देखते हैं पंचों की योग्यता, यानी पंच की योग्यता कैसे काम करती है। तो यहाँ पर समझिएगा, पंच की योग्यता की बात करें हम लोग तो सबसे पहले जो टर्म्स आता है पंच की योग्यता के लिए वो है उम्र 21 वर्ष, ठीक है। पहले भी मैं ये आपको बता चुका हूँ पंचों की योग्यता 21 वर्ष होती है। 21 वर्ष में यहाँ पर ये योग्यता देखी जाती है कि योग्यता का क्रम क्या होगा, 21 वर्ष का होगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है। यदि व्यक्ति ग्राम पंचायत के किसी भी एक वार्ड से चुनाव लड़ सकता है चाहे किसी भी वार्ड का हो, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति पंच बन सकता है चाहे वो किसी वार्ड का हो। कहने का मतलब आप यहाँ पर समझिएगा कि जो कंफ्यूजन है आपको वहां पर मैं दूर कर देता हूँ। पहला बात तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो पंच जो होता है, जो पंच के लिए खड़ा होता है, जो योग्य व्यक्ति है, वो उस पूरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, पहला चीज। दूसरी बात यहाँ पर होनी चाहिए कि मतदाता सूची में तो नाम है, साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि वार्ड में किसी भी वार्ड का हो सकता है वो, ठीक है। यानी कि मतदाता सूची में नाम तो अनिवार्य है ही और इसके अलावा वो किसी भी वार्ड में खड़ा हो सकता है और किसी भी वार्ड का हो। कहने का मतलब है कि अगर वो ए वार्ड का है, मतलब उसका जो नाम है मतदाता सूची में ए वार्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो वो बी वार्ड से भी पंच के लिए खड़ा हो सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये है कि व्यक्ति ग्राम पंचायत की किसी भी एक वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, किसी भी एक वार्ड से चुनाव लड़ सकता है,
दूसरी बात, चाहे वो किसी भी वार्ड का हो, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट्स क्लियर है आपके लिए कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर होनी चाहिए। दूसरी बात, वो मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हो, उसका नाम अनिवार्य है, ठीक है, और फिर वो कहीं से भी उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत किसी वार्ड से खड़ा हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक सरपंच बन सकता है या उप सरपंच बन सकता है जो, अब यहाँ पर देखिएगा, हम एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, जिसमें आपने पंचों की योग्यता देख ली आपने, अब आप देखेंगे सरपंच की योग्यता क्या होगी या उप सरपंच की योग्यता क्या होगी। अब इसके लिए देखिएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हम योग्यता के लिए कि योग्यता के संदर्भ पर क्या क्या चीजें शामिल हो जाती है, ठीक है। तो पहले नंबर देखिएगा, पंच के रूप में निर्वाचित होने योग्य हो, पंच के रूप में निर्वाचित होने योग्य हो, तो इसका मतलब यह है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 इयर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है हमारे पास, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ जाता है कि वो उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत मतदाता सूची में उसका नाम हो, ठीक है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो, यहाँ पर याद रखिएगा कि संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर याद रखिएगा कि जब इसके कैलकुलेशन पे आप यहाँ पर याद करते चल रहे हैं, तो योग्यताओं के संदर्भ पर और या अयोग्यता के संदर्भ पर आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि क्वालिफाइंग क्या होगा या एलिजिबिलिटी क्या होगी और डिसक्वालिफाइंग क्या कौन पोजीशन पर है, ठीक है। तो संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, किसी भी सहकारी सोसाइटी या सभापति किसी भी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति ना हो, ठीक है। सहकारी सोसाइटी इन द सेंस की कोऑपरेटिव जो भी सोसाइटियां होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती हैं, ठीक है, सहकारी क्षेत्र से संबंधित कोई भी सोसाइटी है, उसका सभापति नहीं होना चाहिए, चेयरमैन नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर उपसभापति नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, किसी भी सरकारी नौकरी पर ना हो, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर एक शब्द याद रख सकते हैं जिसको हम कहते हैं लाभ का पद पर नहीं होना। सरकारी नौकरी पर ना होने का मतलब यहाँ पर क्या है, लाभ के पद पर नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वो सरकारी नौकरी पर ना हो, और अगर वो सरकारी नौकरी पर है तो वो सरपंच के पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, और अगर वो खड़ा होता है तो उसको अपना सरकारी नौकरी छोड़ना होगा या फिर त्याग पत्र देना होगा वहां से, ठीक है। तो दो बातें आपको यहाँ पर ज्वाइन करके याद रखना होगा, अगर सरकारी नौकरी में है तो उसे अपना पद जो है वो छोड़ना होगा सरकारी नौकरी का, या फिर वो सरपंच बनने योग्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं कुछ क्वालिफाइंग सिस्टम बताता हूँ आपको यहाँ पर कि क्या क्या चीजें यहाँ पर संशोधन हुई है। तो संशोधन से देखिएगा, 2019 से पहले याद रखिएगा, 2019 से पहले कुछ कंडीशन अप्लाई हुए थे छत्तीसगढ़ में, उस छत्तीसगढ़ के अनुरूप आपको यहाँ पर बात याद रखना है कि पंच के लिए पांचवी पास होना अनिवार्य नहीं था पहले, 2019 से पहले पंच के लिए पांचवी पास होना अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब 2005 से पहले क्या था, अनिवार्य था, और 2019 में शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, केवल अक्षर का ज्ञान दे दिया गया है। कहने का मतलब है कि आपको अक्षर का ज्ञान हो, आप इतना जानकार हो कि आपको अक्षर के समझ हो, ठीक है। दूसरा, सरपंच के लिए 8वीं पास की अनिवार्यता थी पहले, और शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, केवल अक्षर के ज्ञान को सीमित कर दिया गया कि आपको अक्षर का ज्ञान हो, अक्षर के बारे में समझ हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो बात याद रखिएगा, 2019 के संशोधन में छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसे शामिल किया गया, जहाँ पर शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, जो पंच के लिए पांचवी पास एक एलिजिबिलिटी तय किया गया था उसे समाप्त करके सिर्फ अक्षर के ज्ञान तक को सीमित कर दिया गया, और सरपंच के लिए 8वीं पास जो अनिवार्य शिक्षा कहा गया था उनके लिए शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर केवल अक्षर का ज्ञान यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। 2019 के संशोधन को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो शिक्षा संबंधी योग्यताएं आपके पास यहाँ पर है, और शिक्षा संबंधी योग्यताओं में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि पांचवी पास और आठवीं पास किस कंडीशन में था, 2019 से पहले था, और वर्तमान में 2019 में छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन 2019 के अंतर्गत इन सभी अनिवार्यताओं को समाप्त करके केवल अक्षर के ज्ञान को यहाँ पर चीजें क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, आवाज क्लियर है आप लोग को, चलिए कुछ कैमरे का कुछ इशू आ रहा है इसमें।
लेकिन कोई बात नहीं, आपकी क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। आवाज क्लियर है आप लोग को? ठीक है, चलिए आगे क्लियर करते हैं। ठीक है, स्क्रीन भी समझ में आ रहा है? सारा कुछ क्लियर है? स्क्रीन भी क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो शिक्षा संबंधी योजनाएं आपने, योग्यताएं आपने देख ली। इसके नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा, पंचायतों की पदाधिकारी होने की योग्यताएं। ठीक है, पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उनकी योग्यताएं को एक संदर्भ पर हम लोग लेकर चल रहे हैं कि क्या क्या योग्यता इनके अंदर होनी चाहिए और कौन कौन सी योग्यता इसमें शामिल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं, पहला पॉइंट याद रखिएगा। हमेशा आपको दिमाग पे याद रखना है कि जो पंचायत के संदर्भ पर पदाधिकारी की योग्यता है, इसमें उम्र अगर देखा जाए तो 21 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। ऐसा ना हो कि वो 21 वर्ष रनिंग हो, ऐसा ना हो कि 21 वर्ष का जो पॉइंट है उसमें एक महीना बचा हुआ हो। ठीक है, तो याद रखिएगा आप यहाँ पर कि 21 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बात है वो ये है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी सोसाइटी एवं सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो। तो यहां पर बात याद रखिएगा कि इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकरण, ठीक है, सहकारी सोसाइटी एवं सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है थोड़ा सा और बातें, तो इसमें याद रखिएगा, पंचायत के साथ किसी भी संविधा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई अंश ना हो। देखिए, ये संविधा का कहने का मतलब ये होता है कि जैसे इसको समझिएगा, मान लीजिए हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी संविधा के तहत, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत, कोई फलाना ग्राम पंचायत है, ए नाम का कोई ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी पदाधिकारी हैं, ठीक है, और उसके अंतर्गत कोई काम करना है, यानी ग्राम पंचायत के भवन का निर्माण करना है। ठीक है, ग्राम पंचायत के भवन का निर्माण करना है, तो उस भवन के निर्माण के तहत कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो काम कर रहा है। ठीक है, इधर पंचायत के जो कार्यकाल है वो समाप्त होने की स्थिति में है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर अगर मान लीजिए वहां पर काम कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर इस पंचायत के अंतर्गत, ठीक है, इस पंचायत के अंतर्गत पदाधिकारी होने योग्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी प्रकार के संविदा या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका अंश नहीं होना चाहिए, चूंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है उस ग्राम पंचायत का, वहां के भवन के निर्माण का, सहकारी भवन के निर्माण का या सरकारी भवन के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, संविदा लिया हुआ है, तो वो वहां के सरपंच बनने योग्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ये पॉइंट याद रखिएगा कि पंचायत के साथ किसी भी प्रकार की संविदा प्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट हो या अप्रत्यक्ष हो, नहीं होनी चाहिए, उसका अंश नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसमें पंचायत के क्रियाकलापों से संबंधित विज्ञापन दिया जाता है, उसमें कोई भी हित या अंश ना हो। देखिए, ये छोटी सी बात है, लेकिन सरकारी जो शब्द होता है हमारे साथ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो समाचार पत्र है, मान लीजिए पंचायत जो है किसी प्रकार का समाचार पत्र या फिर पत्रिका में अपना पब्लिशिंग करता है या कोई अपने विज्ञापन देता है या किसी प्रकार की सूचना देता है, तो उसी अवस्था में देखा जाए तो वो समाचार पत्र जो है किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति का नहीं होना चाहिए जो उस पदाधिकारी के रूप में खड़ा होने वाला है, ठीक है, या निर्वाचित होने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ऐसे कंडीशन आते हैं कि समाचार पत्र से उसका कोई हित है या समाचार पत्र में कहीं ना कहीं अंशता वो हित ग्रहण करता है, तो ऐसे अवस्था में वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पदाधिकारी की योग्यता साबित नहीं हो पाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी भी समाचार पत्र में जिसमें पंचायत के किसी भी क्रियाकलापों से संबंधित विज्ञापन दिया जाता है, उसमें उसका हित नहीं होना चाहिए, चाहे वो अंशता क्यों ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पंचायत कोई भी डिवेंचर धारण ना करता हो तथा उस व्यक्ति के प्रति पंचायत की कोई भी देयता ना हो। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि डिवेंचर धारण करने का मतलब यह है कि पंचायत के एसेट्स की कहीं भी एसेट्स, यहां पर डिवेंचर का मतलब यह होता है कि देखिए सिंपल सी बात में समझते हैं इसको, कि पंचायत के अंतर्गत चल अचल संपत्तियां होती हैं। ठीक है, तो चल अचल संपत्ति के किसी भी डिवेंचर का, यानी किसी के भी मूल रूप का या मूल्यवान क्षेत्र का वो धारक नहीं होना चाहिए।
ठीक है, पंचायत के अंतर्गत किसी भी प्रकार का डिबेंचर धारक नहीं होना चाहिए, पंचायत की चल अचल संपत्ति का धारक नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी बात, उस व्यक्ति के प्रति पंचायत की कोई देयता ना हो, यानी कि वो व्यक्ति जो है वो पंचायत के प्रति कोई लेन देन का कार्य ना हो रहा हो, ठीक है। यानी कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि कोई व्यक्ति है, उसने उससे पंचायत जो व्यक्ति है उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे वहां पर वो पॉइंट्स क्या क्लियर होता है यहाँ पर कि पंचायत ने सॉरी वो व्यक्ति ने पंचायत के लिए कोई काम किया है, ठीक है, और जो पंचायत है वो उसके देयता बना हुआ है। देयता कहने का मतलब है कि उसकी क्रेडिट है वहां पर, सॉरी डेबिट है वहां पर, और जिसमें आपको वहां पर पैसा पे करना है पंचायत को, उस व्यक्ति को पैसा पे करना है, ठीक है। तो उस कंसेंस में उस व्यक्ति के प्रति पंचायत की कोई देयता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कोई उधारी नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात, वो डिवेंचर धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा, पंचायत की ओर से वेतनिक विधि व्यवसाय नियोजित न किया हो, ठीक है, कहने का मतलब है पंचायत की ओर से किसी प्रकार का वेतनिक नौकरी ना कर रहा हो या व्यवसायिक रूप से नियोजित ना किया गया हो उसको, ठीक है, रोजगार के तौर पर उसे वेतनिक ना किया गया हो पंचायत के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए किसी कानून में अयोग्य घोषित न किया गया हो, यानी राज्य का जो विधानमंडल है उसके द्वारा बनाए गए कोई भी कानून जिसमें वो अयोग्य घोषित होता है तो वो फिर पदाधिकारी बनने योग्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीन चार बातें आपको याद रखना है और उसी के क्रम से आप उसको याद करते चलेंगे तो ये आपकी पदाधिकारी होने की योग्यता और अयोग्यता दोनों घोषित करता है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आपकी अयोग्यता भी घोषित करता है और योग्यता भी घोषित करता है। जैसे एग्जांपल, अगर वो 21 वर्ष पूर्ण कर चुका है तो ये योग्य है और 21 वर्ष पूर्ण नहीं किया है तो अयोग्य है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि आपको योग्यता और अयोग्यता दोनों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा, अब बात करते हैं यहां पर पंचायत पदाधिकारियों की अयोग्यता। देखिएगा अयोग्यता के अंतर्गत आपका टर्म्स क्या कहता है, अयोग्यता के अंतर्गत क्या बातें आती है यहाँ पर हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने बोला था आपको कि योग्यता भी आप उसी से निर्धारित करते हैं और अयोग्यता भी इसी से निर्धारित करते हैं, ठीक है। अगर वो 21 वर्ष से कम हो, और देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ भारतीय कानून में एक व्यवस्था को याद रखिएगा कि हमने कहीं पर भी अधिकतम आयु को जज नहीं किया है, कहीं पर भी ये आपके संविधान में या कहीं पर भी अधिकतम आयु नहीं लिखा गया है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा आपकी न्यूनतम को आपको याद करना है, न्यूनतम जो है 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अधिकतम तो आप जा सकते हैं, आपके अधिकतम का कोई भी रिकॉर्ड या फिर कोई भी इस तरीके का अधिकृत रूप से लेखांकन आपको नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। दूसरी बात, यदि दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया तो आप बिल्कुल समझते हैं कि दिवालिया क्या होता है, ठीक है, जिसको हम बैंक क्रप्टेड कह सकते हैं या फिर ऐसी अवस्था में कह सकते हैं जहां पर उसने कहीं पर बहुत ज्यादा लोन लेके बैठा हुआ और उसको पे ना कर पाया हो, ठीक है। तो इसी शब्दों में हम लोग उसको दिवालिया कहते हैं, दिवालिया घोषित न कर दिया गया, किसी बैंक ने दिवालिया घोषित कर दिया गया तो ये भी अयोग्य घोषित हो जाता है, ठीक है। तीसरा होता है पागल और विकृत चित्त ना हो, मानसिक रूप से संतुष्ट मानसिक रूप से जो है वो हष्ट पुष्ट हो कहना चाहिए, या फिर मानसिक रूप से जो है ये मेंटली किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, पागल ना हो या विकृत चित्त ना हो, ठीक है। इसके बाद देखिए, स्वेच्छा से विदेशी नागरिक ग्रहण कर लिया हो, तो याद रखिएगा किसी व्यक्ति ने स्वेच्छापूर्ण विदेशी नागरिक ग्रहण कर लिया हो तो वो भी अयोग्य घोषित होता है। रीजन क्या है, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक विदेशी नागरिकता घोषित करता है तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता व्यवस्था है, तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति का जो मतदाता सूची में नाम है वो हट जाएगा वहां से, ठीक है, और वो कहाँ किस प्रकार का व्यक्ति हो जाएगा, तो नागरिक हो जाएगा विदेशी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में स्वेच्छा से विदेशी नागरिक ग्रहण कर लिया हो तो वो भी अयोग्य घोषित होगा, ठीक है। विदेशी राष्ट्र के प्रति निष्ठा बताता हो, तो यहाँ पर देखिए विदेशी राष्ट्र के प्रति जब निष्ठा की बात करते हैं हम लोग, की जो विदेशी जो राष्ट्र है उसके प्रति उसका निष्ठा ज्यादा है और भारतीय यानी कि स्वदेशी यानी कि हमारे देश के प्रति उसकी निष्ठा कम है या नहीं है, तो ऐसी अवस्था में हम उसे अयोग्य घोषित करेंगे, पंचायत के पदाधिकारी बनने योग्य नहीं होगा, ठीक है। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया है और उसकी सजा 6 माह से अधिक है तो उस व्यक्ति द्वारा सजा पूर्ण होने की तारीख से 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता वो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब आप याद रखिएगा कि अगर किसी न्यायालय के द्वारा किसी अपराधी को 6 माह से अधिक की सजा दे दी गई है और जब सजा 6 माह से अधिक की हो गई है तो उस व्यक्ति के द्वारा सजा पूर्ण होने की तारीख से, मान लीजिए 6 महीने से अधिक की सजा दी गई है, फॉर एग्जाम्पल 2 साल की सजा हो गई है, तो वो 6 महीने से अधिक हो गई तो 2 साल जब वो कंप्लीट करेगा उसके बाद फिर वो 5 साल के तक
और चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी टोटल 7 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा और फिर उसके बाद चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ऐसे कंडीशन न्यायालय के द्वारा सजा देने पर भी चुनाव नहीं लड़ सकता है वो। कब तक? तो जब तक सजा उसकी पूर्ण नहीं हो जाती। ठीक है, अगर वो 6 महीने से अधिक है तो सजा पूर्ण नहीं हो जाती, और सजा पूर्ण होने के बाद भी 5 वर्ष तक वो उस क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता, 5 वर्ष तक और। ठीक है, यानी टोटल 7 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल याद रखिएगा कि पंचायत के पदाधिकारियों की अयोग्यता में आपको इसका टर्म्स याद रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि पूरे जो पॉइंट है हमारे पास, यानी कार्यकाल के अंतर्गत संबंधित जितने भी पॉइंट है, अयोग्यता से संबंधित या फिर जितने पॉइंट्स है, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट हमारे पास आते हैं और इसी से क्वेश्चंस में आपके जो क्वेश्चन है वो वहीं से बनते हैं। ठीक है, बस शर्त है कि हमको इसके कैलकुलेशन सही मापदंड नहीं पता होता है, जिसके कारण हमसे गलतियां होती है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर, किसी पंचायत भवन या सहकारी भवन पर अतिक्रमण न किया हो। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि पंचायत भवन के आसपास की जमीन जो है या पंचायत की जो जमीन है किसी ने हथिया लिया है या फिर अतिक्रमण कर लिया है। ठीक है, पंचायत के अंदर के भवन या फिर उसके जो भी जमीन है या फिर जो अचल संपत्ति है, ठीक है, उसमें से कोई भी क्षेत्र को अतिक्रमण कर लेता है, सरकारी भवन को अतिक्रमण कर लेता है, तो भी वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा, जिसके निवास स्थल या परिसर में निर्वाचित होने के 1 वर्ष बाद जल विवाहित शौचालय न बना हो। ठीक है, तो ये जल वाहित जो शौचालय है, जलवाहित शौचालय का होना बहुत जरूरी है आज की डेट में, हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये नियम बना दिया गया है। ठीक है, तो निवास स्थल में या परिसर में निर्वाचित होने के 1 वर्ष बाद, देखिए जब अगर कोई व्यक्ति सरपंच बन जाता है, सचिव बन जाता है या फिर कोई भी पंचायत का एक पदाधिकारी बन जाता है, तो उसके निर्वाचन के 1 वर्ष के बाद अगर उसके घर के परिसर में या फिर निवास में जलवाहित शौचालय होना अनिवार्य है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 वर्ष बाद भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। ठीक है, उसकी शिकायत कर दी जा सकती है। पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण ना करता हो, यह बात याद रखिएगा कि अगर वो लाभ का पद धारण करेगा तो अयोग्य घोषित होगा। ठीक है, लाभ का पद बिल्कुल आपको याद रखना होगा कि लाभ का पद क्या होता है। तो हमारे संदर्भ या भारत के दृष्टिकोण से, भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभ का पद होता है जो अपने 60 साल की नौकरी करता हो। ठीक है, या सरकारी नौकरी पर हो। ठीक है, सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 60 साल की नौकरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं दिखता, लेकिन सरकारी नौकरी पर होने पर ही आप उसे कहते हैं कि वो लाभ के पद पर। ठीक है, दूसरी बात, विभिन्न शासकीय संस्थानों में से भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के चलते पद से निकाला गया। ठीक है, सरकारी संस्थान या शासकीय जो संस्थाने हैं, अगर वहां पर भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण उसे पद से निकाला गया है तो भी वो व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पंचायत का कोई बकाया राशि जो मांग सूचना के 30 दिन के बाद भी जमा ना किया गया हो। ठीक है, यानी पंचायत का कोई बकाया राशि जो किसी व्यक्ति के पास है, जिस पर मांग किया गया, जमा करने की तारीख दी गई और तारीख देने के 30 दिन के बावजूद, यानी 30 दिन के बाद भी उसे जमा नहीं किया गया है, तो भी वह अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नाम निर्देशन प्रस्तुत करने से पूर्ववर्ती 5 वर्ष की काल अवधि में अयोग्य घोषित किया गया है, तथा जब तक इस प्रकार की अयोग्यता की अवधि का कम या समाप्त न कर दी गई हो, तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो याद रखिएगा, निर्देशन प्रस्तुत करने की पूर्ववर्ती 5 वर्ष पहले, ठीक है, हम निर्देशन प्रस्तुत, जो नाम निर्देशन है उसके प्रस्तुत करने के पहले, ठीक है, 5 वर्ष के पहले अगर वो व्यक्ति अयोग्य घोषित कर दिया गया है, पहले ही 5 वर्ष के पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो इस प्रकार की अयोग्यता की अवधि को कम से कम या समाप्त करने से पहले, याद रखिएगा, तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता है जब तक उसे समाप्त न कर दिया गया हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि नाम निर्देशन की प्रस्तुति करने, जैसे कि देखिए क्या होता है, जब कोई नाम निर्देशित किया जाता है यहाँ पर, या चुनाव के लिए अपना नाम दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में 5 वर्ष पहले अगर उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, तो उस अयोग्यता को अवधि को कम या समाप्त न कर दिया गया हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति को निर्देशन अपने नाम देने से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है, तो 5 साल तक वो तो कार्यकाल में नहीं होगा या चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन उसके अवस्था के बाद या उसके बाद भी याद रखिएगा कि वो जब तक उस अयोग्यता की अवधि को समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि पंचायत के कार्यकाल की जो योग्यता है, अयोग्यता है, इनके टर्म्स को क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, पंचायत, जनपद पंचायत के सदस्यों के अयोग्यता या
योग्यता की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा इनका कार्यकाल या जो योग्यता योग्यता है उनके संदर्भ पर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये भी आपको वही चीजें दिखेंगी जहां पर आपने पंचायतों के अंतर्गत जितनी योग्यता देखी है आपको यहां पर भी वही योग्यता दिखेंगी, ठीक है। तो उसके संदर्भ पर आपको कुछ बातें याद रखनी है। तो पहला बात याद रखिएगा कि इनकी उम्र भी क्या होनी चाहिए, पंचायत जो सदस्य है जनपद पंचायत सदस्य है उनका उम्र भी 21 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। जनपद पंचायत की किसी भी ग्राम पंचायत के क्षेत्र का मतदाता सूची में नाम हो, ठीक है। ये सब सारी चीजें आपने पहले ही पढ़ ली है तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर भी आप यहाँ पर दो बातें याद रखिएगा कि ग्राम जनपद पंचायत में जिस जनपद पंचायत सदस्य के रूप में वो खड़ा हो रहा है उसके अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत है उसके अंतर्गत मतदाता सूची के में उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर याद रखिएगा जिला पंचायत की बात करें तो ये भी 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और जिला पंचायत के भीतर किसी भी ग्राम पंचायत के क्षेत्र का मतदाता सूची में उसका नाम हो, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा पंचायत की प्राधिकारी शक्तियों की व उत्तरदायियों की बात करेंगे, ये टॉपिक हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है। पंचायत की प्राधिकार शक्तियां और उत्तरदायित्व, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतने पॉइंट्स को याद रखिएगा। आपने आज देखा पंचायत के कार्यकाल योग्यता और अयोग्यता, ठीक है। इनको एक बार दोहराइएगा, मुझे लगता है कि आप एक बार और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो आपको प्रॉपरली याद हो जाएगा और आपको पूरी तरीके से ये पॉइंट्स क्लियर होगा कि अगर आपके सामने ऑप्शन में या कुट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको बिल्कुल छाट कर अलग कर पाएंगे और आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहां तक कोई डाउट हो तो एक बार क्लियर कर लीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं इसके बाद।